नए कट्टे खुल गए, सौदा हो गया, सेस सजाई गई, अम्मी पहुंच गई, पहले वीडियो Hi डाल guys, दी, how ये are you? क्या हुआ? Assalamualaikum. I hope it's happy, healthy with your family. Thank you so much for coming to Person My Home. Brother, sister, girl, boy and everyone. Thank you so much. But my heart, my beautiful YouTube family, Umma, Umma हो गया, वैटी वे, भाई क्या हो गया? सौदा हो गया, सौदा? किसने सौदा किया? क्या आपकी बहन ने सौदा किया? आपके जो है जीजू ने सौदा किया? आपकी माँ ने या आपके बाप ने सौदा किया? इसका मतलब है इससे पहले आपका सौदा पे किसी और से भी हो चुका था। जी जी जी, यहाँ पे जी सानिया कह रही कि मेरा सौदा हो गया, शादी नहीं हुई, दिलबा ने कितने में इनको खरीदा ये भी नहीं आपने हमें बताया, ये तो क्लियर करके चली जाती। लेकिन जी इन लोगों का एक नया ड्रामा शुरू हो गया, खाली व्यू 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 और कुछ नहीं भाई। ये इन लोगों को हम कह के थक गए, अपनी व्लॉगिंग 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 करो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे जी दिलबर को पता है किस तरह हमने बात करनी है, जिस तरह नी नजमा जो है आकर अपने बाप के पास जाती है, बाप जो है बैग उसके हाथ से खींच लेता है और अपनी बीवी को लेकर अपने घर चला जाता है, और जहां पे उसकी जो है बेटी है वो आकर नकाब करके ग्लासेस लगा के कह देती है मैं अम्मी अब्बू के लिए चाय बना रही हूँ, सोम की चाय अम्मी को बहुत पसंद है। लेकिन जी इस तारा से पहले ही नी नजमा ने वीडियो डाल दी और बता दिया कि अम्मी जी पहुंच चुकी थी और हम लोग लेने गए रेलवे स्टेशन, तो वहां पे अब्बू जी बड़े गुस्से में थे, उन्होंने मेरे हाथ से बैग छीन लिया। ओ एम जी भाई, यहाँ पे तो ये होगा। अभी इनके ड्रामे झूठ झूठ के ड्रामे, फेक फेक के ड्रामे, लेकिन उसने कहा अम्मी आ गई, मैं मिलने जरूर जाऊंगी, मैं नहीं हटूंगी। चले जी, लेकिन यहाँ पे सानिया की बात पे दोबारा आते हैं। भाई सानिया जी, अगर आपका सौदा हुआ था तो फिर आप सौदे को अपने घर में रखती, आप बेटी के ऊपर लाकर रोना पिटना ये वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी। एक साइड पे आपका दिल पर माफिया मांगता है नौशी मुल्तानी, मरियम फहद, वरदा खान से, और दूसरी साइड पे आप सुबह सुबह वीडियो डाल के कह देती हो मेला छोदा हुआ, मैं कौकल हूँ, मैं तो चौथी नुन्नी कुन्नी बच्ची थी, मुझे कोई खरीद कर ले गया, मुझे यूज कर लिया, मुझे तबाह बर्बाद कर लिया, फेंक दिया। और फिर आप कहती है दिल पर यह बताना फातिमा की गोद में पड़े रहो, बच्चों का तुम ख्याल रखो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये सब क्या है? सबको नजर आता है ये सब आप लोग रंडी रोने हैं, ये सब आप लोग झूठ फेक चीजें लेकर आ रहे हो और दुनिया को पागल बनाया हुआ है। क्यों क्या टीवी के ड्रामे लोग बंद कर दे, सिर्फ आप लोगों के ही ड्रामे देखे। ड्रामे से याद आया वकार, वकार ने की माँ जो थी कल शादी पे जा रही थी, वो आज उसने अपने ब्लॉग में दोबारा से दिखाया, जो मैंने कल आपको पिक्चर वगैरह दिखा दी थी। डिटो था, ऑफिस गया, ऑफिस में थम लगा रहा था, खुला नहीं खुला नहीं खुला नहीं, फिर दूसरे उसके जो था उसने आकर थम लगाया, उसने आकर डोर ओपन किया, फिर वो इनसाइड गया। रात को जी बीवी को लेकर बीच पे गया, वहां पे जरा अच्छे से घूमे फिरे, खाया पिया, माँ ने कहा जल्दी घर वापस आना, अगर तुम ना आए ना फिर देखो तुम्हारी क्या, मैं कुट लगाऊंगी कुट लगाऊंगी, पता नहीं अभी जल्दी वापस गया कि नहीं गया। लेकिन चलो जी, जो भी है मियाँ बीवी नई नई शादी हुई है, इतना इन लोगों को जो मार्जिन तो देना चाहिए कि हंसे खेले मुस्कुराए खाए पिए मोजे मारे, लेके जी मोजा ही मोजा। अब क्या कर सकते, अम्मी भी रो रही थी, तारा का जो व्लॉग देखा, बट उससे पहले ही पता लग गया था कि अम्मी तो पहुंच गई है चाचू के पास, चाचू ने भी दे दब परफ्यूम लगाया, इधर परफ्यूम उधर परफ्यूम, हर जगह परफ्यूम ही परफ्यूम लगाया। अल्लाह जी चाचू जी क्या इरादे हैं आपके, अम्मी जी बस संभाल के हैं। चाचू ने बड़ा इंतजाम किया हुआ था, बढ़िया खुशबुआ खुशबुआ लगा, ये का वो कर, बड़े खुशमा खुश। बेटी ने बताया अब्बू जी आज बड़े खुश हैं, बड़े चहक रहे थे, वो तो हमें नजर आ गया था, अब्बू जी बड़े चहक रहे थे, आजा जी नया कट्टा खुल गया। अब जी राबिया, राबिया का थंबनेल भी देखा, वीडियो में जाकर देखा, पहले तो मियां ने दे दिया चैलेंज कि आपने इस जगह से नीचे को टापना है और टाप के आपने वापस को आना है, वो टाप ही टाप के वापस आई, पिक्चर आप देख सकते हैं। भाई बड़ा बड़ा चैलेंज दिया, मैं समझी समंदर में टापना था, जाना था और टाप के वापस आना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई वापस गई, वापस आई, बड़ी हंसी थी मुस्कुराती थी, उन्होंने कहा भाई हम दोनों मियां बीवी रोज एक दूसरे को चैलेंज देंगे और वेट अपना थोड़ा सा कम कर ले, वैसे ठोको ताली ऐसा होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने कहा जी हम तो जा रहे तारा से मिलने, बड़ा सूट शूट भी उन्होंने बनाया, कलर देख ले ये सूट था उनका, बड़े खुशमा खुश थे, हैप्पी हो हैप्पी थे, चैलेंज ले लिया। भाई एक बार मुझे लग रहा है कि भाई 10 किलो 20 पाउंड तो लूज होया ही होएगा, क्या ख्याल है राबिया, क्या ख्याल है जरा बताना। अच्छा जी, यहां पे जीन लोगों के यही सब थे। सारा यासिन का जो व्लॉग हमने देख लिया, वो सारा कुछ देखा, अम्मी रो रही थी, सारा भी सैड थी, साजिद उनको लेकर गए, उनको बिठाया, बट आगे जाके हमने क्या देखा, सारा से पहला ही नी नजमा ने वीडियो डाल दी। लेकिन जी इस बात पे वकार को हम शाबाश देते हैं, अप्रिशिएट वकार को करते हैं कि हमारे कहने पे अब जो वीडियो है ना वो सारा से पहला ही डाल देता, उस तारा बाद में डालती है, ठोको टाली शाबाश चक दे फटे नब्दे किल्ली, यस। तो जी ये होती है पावर सच्चाई की, हकीकत की। अच्छेपन पढ़े लिखे लोग होते समझ जाते कि नहीं भाई बंदे जो कह रहे हैं बिल्कुल सही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, परफेक्ट कह रहे हैं। भाई आज का तो यही सारा कट्टा चट्टा बट्टा था जो ला के आप लोगों के आगे डिश में डाल के पेश कर दिया, आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। लगन जी अभी ताज़ा तरीनी खबरें थी, लोगों की वीडियो आई देखकर आप लोगों को बता दिया भाई
ये कांड हो गया, सौदा भी हो गया, सितारे के पास भी जा रहे हैं, माँ पहुंच भी गई, परफ्यूम भी फेंक दिए, हनिया मुनिया होंगी, पता नहीं क्या क्या होंगे। मियाँ बीवी है यार, मेरी बहन हनिया मुनिया क्या मियाँ बीवी है भाई, चकदे फट्टे नबदे किल्ली होना चाहिए। मियाँ ने जो परफ्यूम छिड़का, इतना छिड़का इतना छिड़का, अब तो भाई दूसरे दिन पता लगेगा फोन परफ्यूम छिड़क के फिर क्या हुआ है ना भाई। सितारा के लिए भी दुआ करे, काफी अच्छा उनका जख्म हो चुका है, अल्लाह करे उनका और पाँव जो है बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन दिलबर ने कहा कि जी आप अपनी वीडियो पर तवज्जो दे, पहले आपके व्यू बहुत अच्छे आते थे, अभी आपकी वीडियो पर व्यू कम आते हैं। जो मैंने रात की वीडियो भी चला दी थी, उनका क्लिप चलाया था ताकि आप लोग भी सुन लें। दिलबर को बड़ी फिक्र हो रही कि पहले बहुत अच्छे व्यू आते थे, अब अच्छे व्यू नहीं आ रहे। आप जो इधर उधर की जो कर रही वो मत करें, आप सीधा काम करें जैसे आप पहले भी करते थी। वैसे बंदे ने ना बात वैसे सही की है, जो बस सच है वो सच है, गलत को गलत कहेंगे और जो सच बोलेगा उसको हम सच को सच ही कहेंगे। हाँ, कहीं फांसी का फंदा ही ना लगा दो गले में, है ना भाई। चले नहीं आएंगे नेक्स्ट अपने रिव्यू के साथ, किसने क्या ठोका, किसने क्या किया, कौन से कट्टे खुले, कौन से कट्टे बैठ गए, सब कुछ कट्टा चट्टा बट्टा ला के आपको सामने रख देंगे। फिर बोलेंगे ठोको ताली, टेक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय गाइस।